जिला कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया गया। अब यह पखवाड़ा जिला कुल्लू के हर ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाएगा और आम जनता के बीच नेत्रदान के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसके बारे में भी उन्हें सही जानकारी दी जाएगी ताकि लोग नेत्रदान करने के लिए आगे आ सके। यह बात सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज ने कही। और किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा ये जो आई डोनेशन फोर्ट नाइट जो मनाया जा रहा है ये 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक चलेगा। इसके दौरान और इसका अगर थीम देखें टू एनकरेज पीपल टू डोनेट देयर आईज आफ्टर डेथ, ये हमारा थीम है। और इन 15 दिनों में लोगों को ये अवेयर किया जाएगा कि आई डोनेशंस के क्या फ़ायदे हैं, वो जो भ्रांतियाँ आई डोनेशन के साथ फैली है लोगों में उनको कैसे दूर किया जा सकता है। और यहाँ आए हुए सभी लोगों के माध्यम से और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो भ्रांतियाँ लोगों में है, हमारे लोगों में है कि अगर हम आँख का दान कर देंगे तो अगले जन्म में कहीं हम अंधे ही ना पैदा हों, वो भ्रांति हमें दूर करनी है। इसलिए इस दौरान पूरे डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे हर ब्लॉक में, और हर ब्लॉक में कोशिश की जाएगी कि आई चेकअप कैंप करवाए जाएं ताकि लोगों की आई का भी चेकअप किया जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज तक 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह ब्लाइंड हैं, और 13 करोड़ लोगों की अगर बात करें तो 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से उनकी दृष्टि कम है या और कोई प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जा सकता है। उनमें से 80% लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो जिनकी एक्सेस हॉस्पिटल तक नहीं है और आगे अपनी आँखें नहीं चेक करवा सकते। नहीं चेक करवा सकते तो मुझे लगता है कि उनकी आंखें भी ऐसी रहेगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी अनटिल अनलेस कि हम उनको जागरूक करें। उसमें से 30% लोग ऐसे हैं, अगर उनको चेकअप हम करें तो 30% लोग ऐसे निकल आएंगे जिनको कहीं ना कहीं नेत्रदान की और आई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो आज की डेट में अगर हिंदुस्तान में मतलब अगर इंडिया की हम बात करें तो 2 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनको नेत्रदान की ज़रूरत है, आई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास आज की डेट में सिर्फ 55,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखें दान करी है, तो हम 55,000 लोगों का ही उन 2 लाख में से इलाज करवा पाएंगे, बाकी 1.5 लाख का नहीं करवा पाएंगे। रीज़न उसका यही होगा कि नेत्रदान करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम आगे आ रहे हैं। उसके लिए मैंने जो आपको भ्रांतियाँ बताई लोगों में या लोगों के जो कंस्ट्रेंट बताए उनमें से कुछ एक मैंने वो बता ही दिया कि लोगों के दिमाग में एक धारणा है कि कहीं हम अंधे ना पैदा हों, और दूसरी ऐसी है कि हमारे जो आई डोनेशन आई बैंक जो हैं वो हिमाचल में सिर्फ शिमला और टांडा में है। तो अगर और ये आई जब दान करते हैं तो किसी की डेथ के बाद वो विद इन 6 आवर उसको दान किया जा सकता है, अन्यथा वो किसी काम का नहीं रहता। तो अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में विद इन 6 आवर वो टीम नहीं पहुंच पाती, इसलिए हो सकता है भविष्य में कभी आने वाले समय में यहाँ भी आई बैंक खुले तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबको हम जागरूक करें कि आई डोनेशन के आपकी आँखों के माध्यम से आपकी आँख के माध्यम से लोग दुनिया देख पाएंगे और आप भी उसके माध्यम से जिंदगी मतलब ताउम्र जिंदा रहेंगे अपनी इवन अपनी डेथ के बाद। तो इसलिए मैं लोगों से एक आह्वान करता हूँ कि नेत्रदान करें ताकि लोग आपके माध्यम से दुनिया को देख पाएं। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।